हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लब ऑफिशियल इंडिया यूट्यूब चैनल। दुनिया की सबसे बड़ी लीग यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, जिसका मिनी ऑप्शन होना है 23 दिसंबर शुक्रवार को। अब आईपीएल मिनी ऑप्शन के लिए कुछ ही घंटे बाकी है, तो आईपीएल मिनी ऑप्शंस जिसका लाइव टेलीकास्ट कहां पर होगा, किस चैनल पर होगा और कितने बजे से होगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आईपीएल मिनी ऑप्शन शुक्रवार यानी कि 23 दिसंबर को होना है और इसकी जो टाइमिंग है वो दोपहर 2:30 बजे से जियो सिनेमा ऐप्स और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के जो चैनल है स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा और जियो टीवी ऐप्स पर भी इसका लाइव टेलीकास्ट होगा। इंडियन प्रीमियर लीग दुनिया की सबसे बड़ी लीग है और कई सारे खिलाड़ियों ने इसमें आवेदन दिए हुए थे और अनसोल्ड और सोल्ड प्लेयर्स की जो है आवाज़ आपको शुक्रवार 23 दिसंबर को 2:30 बजे से सुनाई देगी। और आपको बता दूं कि यह आईपीएल ऑप्शन जो होने वाला है ये केवल एक दिन का होने वाला है, क्योंकि ये मिनी ऑप्शन है और एक ही दिन का 10 टीमों के साथ ये आईपीएल मिनी ऑप्शन होगा और ये आईपीएल मिनी ऑप्शन कोची में होगा। तो लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर मैंने जैसे कि बताया और जियो टीवी ऐप और जियो सिनेमा ऐप पर भी फैंस देख सकते हैं। ऑप्शन से पहले सभी 10 टीमों ने अपने रिटेन और रिलीज प्लेयर की लिस्ट जारी की है और सभी ने अपनी लिस्ट सौंप दी है, रिलीज प्लेयर्स और रिटेन प्लेयर की लिस्ट। इस मिनी ऑप्शन के लिए सभी 10 टीमें तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी 10 टीमें इस साल तगड़ी नज़र आएगी। इस साल ऑप्शन में 991 खिलाड़ियों ने अपना नाम दिया था और 405 खिलाड़ी ही शॉर्ट हो पाए हैं इस लिस्ट में। तो 405 खिलाड़ी शॉर्ट लिस्ट हो पाए हैं इस ऑप्शन में, जिसमें 273 भारतीय खिलाड़ी है और 132 विदेशी खिलाड़ी है। कैप खिलाड़ियों की बात की जाए तो 119 और अनकैप 282 खिलाड़ी है। तो चार एसोसिएट नेशन के चार खिलाड़ी हैं। 405 में से सिर्फ 87 ही खिलाड़ी बिक पाएंगे, जिसमें से 57 भारतीय और 30 विदेशी खिलाड़ी हैं। 10 टीमें पहले ही 163 खिलाड़ियों को रिटेन कर चुकी है। ऑप्शन की लिस्ट देखें तो सभी टीमों के पास कुछ विदेशी प्लेयर्स के जो है जगह अभी भी खाली है। विदेशी प्लेयर्स की जो स्लॉट है विदेशी प्लेयर्स का, वो अभी भी सभी टीमों के पास जो है स्लॉट खाली है, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स के पास 18 प्लेयर्स की लिस्ट है, 18 प्लेयर्स का स्क्वाड है चेन्नई सुपर किंग्स का, जिसमें से 6 ओवरसीज प्लेयर है और मात्र 2 ओवरसीज प्लेयर की जगह अभी भी स्लॉट में खाली है। तो चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी 2 ओवरसीज प्लेयर्स को ले सकती है। चेन्नई के पास वैसे यदि हम देखें तो पर्स में उनके पास 20,45,00,000 रुपये अभी भी राशि है और उनके कुल अभी 7 स्लॉट बाकी है, तो 7 स्लॉट को वो खरीद सकते हैं, जिसमें से 2 ओवरसीज प्लेयर भी है शामिल है। और बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो उनके पास 19,45,00,000 रुपए अभी भी बाकी है और उनके 20 खिलाड़ियों का स्लॉट पूरा हो चुका है, अभी भी उनके पास 5 अवेलेबल स्लॉट है। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स 5 प्लेयर्स को अभी भी खरीद सकती है। जबकि गुजरात टाइटंस की बात की जाए तो 18 प्लेयर्स का इनका स्क्वाड है और इनके पास 5 विदेशी प्लेयर्स है और अभी भी उनके पास 7 प्लेयर्स का स्लॉट जो है अवेलेबल है। और इनके पास यदि राशि की बात करें तो 19,25,00,000 रुपए अभी भी इनके पास राशि जमा है और 7 प्लेयर्स उनको खरीदने बाकी है, जिसमें से 3 ओवरसीज प्लेयर है। तो वहीं बात करें केकेआर की, तो उनके पास सबसे कम पैसा है ऑप्शन के लिए 7,05,00,000 रुपए और उनके पास अवेलेबल स्लॉट है 11,
जिसमें से 3 विदेशी होने चाहिए। तो केकेआर के पास ये सबसे कम पैसा है इस ऑप्शन, इस मिनी ऑप्शन के लिए। तो लखनऊ सुपर जायंट्स की बात की जाए तो इनके पास 23 करोड़ 35 लाख रुपए उनके पास राशि है और उनके खिलाड़ी कुल 15 है। तो वहीं मुंबई इंडियंस के पास 20 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जमा है और वो 9 प्लेयर्स अभी भी खरीद सकते हैं। तो पंजाब किंग्स के पास 32 करोड़ 20 लाख रुपए अभी भी राशि जमा है और उनके अवेलेबल स्लॉट है 9, जिसमें से 3 ओवरसीज प्लेयर है। तो आरसीबी के पास 8 करोड़ 75 लाख रुपए राशि जमा है और 7 प्लेयर उनका अभी भी अवेलेबल स्लॉट है, 7 प्लेयर अभी भी वो खरीद सकते हैं। तो वहीं राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो उनके पास 13 करोड़ 20 लाख रुपए अभी भी राशि जमा है और 9 प्लेयर्स का स्लॉट उनके पास अभी भी अवेलेबल है। तो 9 प्लेयर्स को वह अभी भी खरीद सकते हैं 13 करोड़ 20 लाख रुपए में। तो बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की तो 12 प्लेयर्स का जो है उनका अभी स्क्वाड है, 12 प्लेयर्स के लिस्ट है उनकी स्क्वाड की, तो 13 प्लेयर्स का स्लॉट अभी भी उनके पास खाली है। तो उनके पास यदि राशि की बात करें, उनके पास जो पर्स में राशि जमा है 42 करोड़ 25 लाख रुपए इनके पास राशि जमा है सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में, 42 करोड़ 25 लाख रुपए जमा है। तो इसमें 13 खिलाड़ी इनको भरने होंगे, 13 खिलाड़ी खरीदने होंगे, 13 खिलाड़ियों का स्लॉट अवेलेबल है सनराइजर्स हैदराबाद के पास। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल में यदि नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल से सेट करें। यदि आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें।